और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आ रही है, जहां पर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जानकारों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और खबर, सरकार ने परीक्षा को समय पर ही करवाने का फैसला लिया है। आज दिन में प्रतिनिधिमंडल के साथ चली थी दो दौरे की वार्ता, वार्ता के बाद परीक्षा को समय पर ही करवाने का फैसला लिया गया। 3 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होनी है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, आज दो दौरे की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि जो टाइम पहले से तय किया गया है उसी के आधार पर ही परीक्षा करवाई जाएगी। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सरकार ने परीक्षा को समय पर ही करवाने का फैसला लिया है। आज दिन में प्रतिनिधिमंडल के साथ चली थी दो दौर की वार्ता, लेकिन इसके बावजूद जो मांगे थी उसको सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो वक्त पहले से तय किया गया था, शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो वक्त पहले से तय किया गया था उसी के आधार पर उसी समय में परीक्षा करवाई जाएगी। और आपको बता दें कि 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में यह परीक्षा का आयोजन करना पहले से तारीख तय की गई है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इसी के बीच में करवाई जाएगी, 3 से 13 जनवरी के बीच में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और दो दौर की वार्ता के बाद भी आज बात आगे नहीं बढ़ी। ललित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले पर है, क्योंकि लगातार कई दिनों से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि जो तय समय है उसी में परीक्षा होगी। बिल्कुल संजय, अगर इस पूरे मामले में बात की जाए तो सरकार जिस स्टैंड पर पहले थी उसी स्टैंड पर नजर आ रही है। आज सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, उसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से सीएमआर में मुलाकात हुई थी, उसके बाद सचिवालय में जो आरपीएससी के अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में वार्ता हुई थी। लेकिन शाम होते होते अब जो जानकार सूत्रों से बड़े संकेत मिले हैं, बड़ी जानकारी मिली है, वो ये है कि परीक्षा को समय पर ही करवाने का फैसला लिया गया है।